हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ पे तो गुड मॉर्निंग है, आप जब भी वीडियो देखो तो आपके लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग, व्हाट एवर यू वांट टू से। बट वेलकम बैक टू दिस छोटी सी सीरीज। ये जो छोटी सी सीरीज है आपके बोर्ड से पहले मैं लेके आ रहा हूँ, और ये सीरीज का जो नाम है, यस आपने बिल्कुल सही सोचा है, यहाँ पे ये सीरीज का जो नाम है वो है नोफिया बोर्ड एग्जाम सीरीज। ओके, हम बोर्ड की एग्जाम हमारे नजदीक आ रही है, सीबीएसई वालों की जस्ट मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट वीक ही है, एंड स्टेट बोर्ड की एग्जाम जो होने वाली है वो एक अगले हफ्ते होने वाली है, अगले महीने होने वाली है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक छोटा सा सीरीज निकाला हुआ है जहां पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो के लेक्चर के अंदर। और जो पहला वाला मैंने एक सर्वे किया, पोल किया, और आप लोगों ने मुझे बताया कि सर हमें हाउ टू डिस्टिंग्यूश बिटवीन गिवन पेयर्स ऑफ कंपाउंड वाला जो पॉइंट है वो सबसे पहले सिखाओ, क्योंकि हमने जब स्टूडेंट्स का वोटिंग मांगा तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये वाले, इनफैक्ट 35 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं आउट ऑफ 37 कि हमें पहले ये सिखाओ। तो चलो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये वाला, इसके अंदर हम करने वाले क्या है, तो एक बहुत ही सिंपल से, हाँ ये मेरा फोटोग्राफ है, ये हमारा यूट्यूब का थंबनेल है। पार्ट वन में करने वाला हूँ विच इज हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर हम ये वाले देखने वाले, चलो कोई बात नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है। आपको अगर एग्जाम पेपर के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन दिया गया है, गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड्स, पहला दिया C2H5Br, C6H5Br, तो क्या करेंगे सर, पता नहीं है कैसे करेंगे। इथाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड दे दिया, विनाइल क्लोराइड अलाइल क्लोराइड दे दिया, क्लोरोबेंजीन बेंजाइल क्लोराइड दे दिया, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बेंजाइल क्लोराइड दे दिया, क्लोरोफॉर्म या तो टेट्रा क्लोराइड दे दिया, तो करना क्या चाहिए, कोई नो नीड टू वरी, नो फिकर व्हेन आशीष अरोड़ा इज योर केमिस्ट्री टीचर। मैंने बराबर नहीं बोला, चलो वापस बोल देता हूँ, नो फिकर व्हेन आशीष अरोड़ा इज योर केमिस्ट्री टीचर। चलो मैं आपको सिखाता हूँ क्या करना चाहिए, इसमें क्यों फिकर नहीं रखनी चाहिए, मैं समझाता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन वो समझने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। ओके, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, यहाँ पे जो कंपाउंड 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 के 6 क्वेश्चन में आपको यू ही सिखाने वाला कैसे करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरा हम देख लेते कि अगर हम दो छोटे से टेस्ट समझ लेते, पहला जो टेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे वो है सिल्वर हैलाइड टेस्ट। सिल्वर हैलाइड टेस्ट का क्या, सिल्वर को याद रखना, हैलोजन और सिल्वर के बीच में बहुत जबरदस्त प्यार है, कहीं पे भी सिल्वर ने हैलोजन को देखा, अरे डार हैलाइड आयन मिला और सिल्वर आयन मिला, और बहुत ही प्यारा सा सिल्वर हैलाइड कंपाउंड बना देते, उन दोनों के बीच में बहुत याराना है, बहुत याराना है, और वो नाइट्रेट बाहर निकालता है। मतलब अगर आपको कहीं पे दिखता है कि हैलाइड निकलने वाला है तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, क्यों, जैसे ही वो सिल्वर हैलाइड बनाएगा वो आपके पास 3 कलर देगा, अगर आपके पास हैलोजन क्लोरीन है तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, अगर ब्रोमीन है तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट देता है, आयोडीन है तो येलो प्रेसिपिटेट देता है, इन दोनों के बीच में कलर का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उसको फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको येलो कलर मिला तो आप अमोनिया सोल्यूशन डालिए, थोड़ा ज्यादा डालना, तो कम डालने से नहीं कुछ होने वाला है, थोड़ा ज्यादा डाल दिए तो वो अगर येलो कलर डिसअपियर हो गया तो वो ये हैलोजन जो होगा वो ब्रोमीन होगा, अगर व्हाइट कलर मिल गया तो ऑब्वियसली वो क्लोराइड हैलोजन है, एंड अगर येलो कलर मिला तो देन दो पॉसिबिलिटी थी, ब्रोमीन था या तो आयोडीन था, येलो मिला तो थोड़ा सा अमोनिया और एक्स्ट्रा डाल दिया, एक्स्ट्रा डालने से अगर डिसअपियर हो गया तो आपके पास वो ब्रोमीन होगा, और डिसअपियर नहीं हुआ देन वो आयोडीन है, देन क्या है वो आयोडीन है। Now, स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे कि सर आपने फ्लोरीन को इसके अंदर क्यों नहीं डाला, फ्लोरीन नहीं डालने का रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, फ्लोरीन इसलिए नहीं डाला गया, सबसे पहले तो फ्लोराइड जो है ना सिल्वर फ्लोराइड वो कलरलेस है, तो आपको कहीं प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, कलर नहीं मिलेगा, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, फ्लोराइड आयन को बाहर निकालना किसी भी अल्काइल हैलाइड में से वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, वो इजीली टूटता नहीं है, वो इज नॉट एन इजी लिविंग ग्रुप, ये इजी लिविंग ग्रुप है, अगर हमने आपने देखा हुआ तो फ्लोरीन सबसे वीक लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया गया है, तो हमें हमारे सिलेबस के अंदर फ्लोराइड वाला पूछने ही नहीं वाला है, तो आप चिंता मत कीजिए, आपको पूछने वाले है नॉर्मली ये 3। तो चलो पहला टेस्ट समझ में आ गया, चलो फटाफट रिकैप कर लेते हैं, रिकैप में मैंने क्या बताया, अगर हैलोजन जो है सिल्वर के साथ जबरदस्त रिएक्शन करता है सिल्वर हैलाइड बनाता है, अगर सिल्वर क्लोराइड होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, अगर ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड होगा तो येलो प्रेसिपिटेट, बट आप थोड़ा सा अमोनिया डाल दीजिए और डिसअपियर हो गया तो वो ब्रोमीन है, एंड डिसअपियर नहीं हुआ देन वो आयोडीन है।
चलो बहुत बहुत अच्छी चीज है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मुंह पे स्माइल आ जाना चाहिए, मुंह पे स्माइल आया। और एक चीज कर देना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो आपको कमेंट जरूर लिखना है। अभी नहीं, रुक जाए, पहले समझ लीजिए ये पूरा वीडियो देखिए। आप फटाफट देख सकते हो, आप 1.5 की स्पीड में देखिए, 2x की स्पीड में देखिए, ये 10 मिनट का ही वीडियो होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो मैं देखता हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि मैं 10 मिनट के अंदर बनाऊँ, मैक्सिमम 15 मिनट या होपफुली उससे भी कम टाइम के अंदर। चलो ये पहला टेस्ट हमने समझ लिया, आगे देखते हैं दूसरा टेस्ट। दो टेस्ट आपको याद रखने हैं जब भी हैलोजन वाले कंपाउंड में, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ तो आपको समझ में आए। चलो जो पहला मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ वो है SN रिएक्शन, जो आप हैलोजन के अंदर पढ़ाई कर चुके हो अल्काइल हैलाइड के अंदर। SN रिएक्शन के अंदर होता क्या है, SN रिएक्शन के अंदर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है, हैलोजन को वहां से निकालते हैं और आपको न्यूक्लियोफाइल मिलता है। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल मैंने यहाँ पे OH माइनस ले रखा है तो आपको ROH अल्कोहल मिलेगा, हैलाइड बाहर निकल जाएगा। सर ये आप कौन सा SN रिएक्शन बता रहे हो, SN1 बता रहे हो या SN2 बता रहे हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस राइट नाउ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। जब टेस्ट की बात आती है फॉरगेट अबाउट यू SN1 या SN2, वो SN1 SN2 डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग टेस्ट होता है। लेकिन राइट नाउ अगर आपको जो मैंने 6 क्वेश्चन दिए थे, ये 6 क्वेश्चन में आपको वो भूल जाना है कि SN1 है या SN2 है। और दूसरी चीज हमें जो याद रखनी है वो ये कि भाई ये जो SN रिएक्शन है, ये SN रिएक्शन कौन से कंपाउंड इजीली देते, विच कंपाउंड ये इजीली देने वाला है। अच्छा आपको इसकी नोट्स लिखने तो आप लिख सकते हो, अगर मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं अपने नोट्स आपके ग्रुप में डाल देने वाला हूँ, आपको यही डिजिटल नोट्स मिल जाएगी। बट बाकी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं आप पोस्ट करते हुए इसको जरूर लिखते हुए जाना, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपाउंड विच इजिली अंडरगो SN रिएक्शन, एंड हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कंपाउंड विच विथ डिफिकल्टी या तो डज नॉट अंडरगो SN रिएक्शन। ऐसे कौन से कंपाउंड है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमने जब हेलो अल्केन्स या हेलो ऑरेंज पढ़ रखा है तो उसके अंदर हमने SN रिएक्शन के अंदर इसको काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वो एक नोट बना लेते हैं। तो कौन कौन से इजीली जाते, तो मैंने यहाँ पे पहले 3 जो ले रखे ये नॉर्मली SN1 रिएक्शन देते। सर आपने तो बोला था SN का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, SN1 होगा या SN2 होगा। हाँ मैंने बोला बट जस्ट खाली आपको आपको याद दिलाने के लिए, ओके फर्क नहीं पड़ेगा, आपको SN1 या SN2 के पता होना चाहिए। याद रखना जो बेंजाइल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ही प्यारा SN1 रिएक्शन देते हैं, अलाइल हैलाइड होता है बहुत ही प्यारा SN1 रिएक्शन देते हैं, टर्शियरी हैलाइड्स होते हैं बहुत ही प्यारा SN1 रिएक्शन देते हैं। ओके इसका टेक्निकलिटी अगर आपको देखना है कि SN1 क्यों ये देते हैं, SN2 क्यों नहीं देते हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, तो मैं आज वो पॉइंट पे नहीं जा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो वो देखेंगे बाद में, बट राइट नाउ अगर आप इतना समझ लीजिए भाई ये SN रिएक्शन देते हैं, इसको SN रिएक्शन से बहुत प्यार है और साथ साथ में सेकेंडरी हैलाइड है या प्राइमरी हैलाइड है ये भी SN रिएक्शन देते, बट वो SN2 देते। अभी के लिए टेस्ट के लिए हमें फर्क नहीं पड़ने वाला कि SN1 होने वाला है SN2 होने वाला है, SN देते, SN रिएक्शन दिए मतलब क्या हो गया मालूम है, उसका मतलब बहुत ही सिंपल सा हो गया यहाँ पे कि ये ऊपर वाला रिएक्शन देंगे, ये वाला अगर वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल में से वो हैलाइड आयन बाहर निकालने वाले है। वो क्या निकालने वाले, हैलाइड आयन अपना में से हैलोजन वो आराम से निकाल देंगे। और जो दूसरा ग्रुप हो गया ऐसा ग्रुप है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दूसरा कौन सा ग्रुप है जो ये रिएक्शन नहीं देते या तो डिफिकल्टी से बहुत डिफिकल्टी से देते, तो भाई वो हमारे पास दो तो नहीं। आपको मैं बताऊं एक सिंपल चीज, डबल बॉन्डेड कार्बन हैलोजन देखा ना आपने कहीं पे भी, अगर आपने डबल बॉन्डेड देखा वो कार्बन के साथ अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे कि इन द केस ऑफ विनाइल हैलाइड कहीं पे भी विनाइल हैलाइड देखा वो SN रिएक्शन नहीं देता है। अरे उसको तकलीफ है यार, क्यों तकलीफ है कैसे तकलीफ है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन वो नहीं देता, वो अलग जगह पे पढ़ाई करेंगे। बेंजाइल हैलाइड गलती से मुंह से निकल गया, बेंजाइल हैलाइड तो देता है बराबर, हेलो बेंजीन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग के डायरेक्ट उसी के ऊपर हैलोजन जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। इन दोनों के बीच डिफरेंस जरा समझ लेना, बेंजीन के ऊपर CH2 बाद में हैलोजन, वो बेंजाइल हैलाइड है। ये वाला अलाइल हैलाइड, मैंने यहां पे गलती से अलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर गलत लगा दिया तो मैं जरा उसको सही कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर सही नहीं, ये तो विनाइल हैलाइड है, तो इसको एक्चुअली यहाँ पे CH2 और एक आएगा एंड देन हैलोजन आएगा, दिस इज योर अलाइल हैलाइड, हैलोजन क्लोरीन होगा ब्रोमीन होगा कोई भी होगा, ये अलाइल हैलाइड है। ओके ये वाला विनाइल हैलाइड पहले मैंने ड्रॉ कर रखा था, तो विनाइल हैलाइड नहीं ये वाला, तो आपके पास अलाइल हैलाइड है एंड अलाइल हैलाइड के बाद ओके उसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं वापस जरा सा, तो आपको देखिए भाई कोई कन्फ्यूजन नहीं आए, तो ये जो था ओके बहुत ही प्यारा सा
मैंने जो ब्लू कलर कर दिया वो एलाइल हैलाइड है आपके पास। और मैंने क्या बता रखा था भाई यहाँ पे, और मैंने बता रखा था टर्शियरी हैलाइड्स ये वाला है। चलो ठीक, जब हम आ जाते हैं कौन नहीं देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है, ऐसा कार्बन जो डबली बॉन्डेड है और डायरेक्टली हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि बेंजीन के अंदर देख लेते हो, यहाँ पे बेंजीन में डबली बॉन्डेड कार्बन है ये वाला और डायरेक्टली हेलोजन के साथ जुड़ा है, उसको हेलोबेंजीन बोलते हैं। बेंजाइल हैलाइड में वो चीज नहीं है। अगर आप देखते हो यहां पे बेंजाइल अलग चीज है, बेंजीन के साथ कार्बन एंड देन हेलोजन। तो आई थिंक सो आपको अब तक क्लेरिफाई हो चुका है। दो टेस्ट के बारे में मैंने बात किया, कौन कौन से दो टेस्ट, एक तो एसएन रिएक्शन मैंने बताया आपको। एक मिनट रुकना प्लीज, थैंक यू। ये बीच में मेरे ये पेन है ना थोड़ी सी हैरान कर रही है, वो जहाँ पे जानी चाहिए मूव नहीं कर रही है, बीच में आ जा रही है। चलो ठीक है, मैंने आपको दो टेस्ट बता दिए, कौन कौन से दो टेस्ट बता दिए, एक तो सिल्वर हैलाइड टेस्ट बता दिया। सिल्वर हैलाइड टेस्ट में हमें पता है कि अगर हैलोजन निकलता तो सिल्वर के साथ कंबाइन होकर सिल्वर हैलाइड देगा, अलग अलग कलर देगा। और दूसरा टेस्ट मैंने जो आपको बता दिया कि वी नीड टू नो दिस कि अगर आपके पास एसएन रिएक्शन होता है तो वो हैलोजन इजीली निकालेगा बाहर। हैलोजन अगर इजीली निकालता है तो देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। दो चीज आपने याद रख ली, बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया हमें, ओके लेट्स सी ये क्वेश्चन के अंदर क्या दिया। उन्होंने दे रखा है कि भाई C2H5Br एंड C6H5Br। C2H5Br का अगर स्ट्रक्चर आप डिटेल में देखते हो तो CH3CH2Br है, एंड C6H5Br में आप देखते हो तो भाई यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, या डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये SN रिएक्शन नहीं देता है, ये SN देता है, हाँ देता है, तो उससे फर्क क्या पड़ा। इसका SN रिएक्शन करवाओ ना आप, सीधा उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाओ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, आप लिख सकते हो कि अल्कली के प्रेजेंस में किया, ओके अल्कली के प्रेजेंस ये डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाओ और अल्कली के साथ कराओ, तो होगा क्या, यहां से नाइट्रेट है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो बीआर को निकाल देगा और वो खुद जुड़ जाएगा बीआर की जगह पे। तो उससे क्या फर्क पड़ा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो बीआर को बाहर निकाल रहा है, बीआर माइनस को बाहर निकाला, सिल्वर वेट कर रहा है कब बीआर बाहर निकले, वो तैयार है मिंगल करने के लिए उसके साथ, ओके और मिंगल कर दिया, सिल्वर ब्रोमाइड बना दिया, सिल्वर ब्रोमाइड बना दिया, येलो कलर प्रेसिपिटेट मिल गया, और ये यहां से तो ब्रोमीन निकलता ही नहीं है, ब्रोमीन नहीं निकला, सिल्वर बेचारा ठंडन गोपाल वेट करता रहा, निकला ही नहीं ब्रोमीन नहीं निकला, तो नो रिएक्शन तो नो येलो प्रेसिपिटेट डार्क। आपके एग्जाम में लिख के क्या आ जाना है कि भाई इसका एसएन रिएक्शन कराओ सिल्वर नाइट्रेट के साथ अल्कली के प्रेजेंस में, और ये सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर बनाएगा, और ये सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर नहीं बनाता है, सो वी कैन डिस्टिंग्विश कि भाई ये C6H5Br है और ये C2H5Br है। समझ में आया 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 तो एक बार लाइक कर देना, जरूर लाइक तो जरूर करना, साथ में कमेंट भी लिखना। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया क्या, बताया गया इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। वाओ, तुरंत ही जैसे विनाइल क्लोराइड देखा आपको, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए यार ये तो विनाइल है, विनाइल तो SN रिएक्शन देता ही नहीं है, इथाइल क्लोराइड अभी हमने देखा हो तो देगा, क्या करोगे, ये तो SN देता है, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या डाल दिया, अल्कली डाल दिया, तो इससे क्या मिलेगा, तो भाई CH3CH2 ओके NO2 दैट्स फाइन, बट जो ये क्लोरीन निकला वो कहां जाएगा, Cl माइनस, सिल्वर बैठा हुआ, आज भाई आज HCl बना लेंगे, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट डन, ये देगा, और ये AgNO3 के साथ डाला, नो रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेट, हो गया। आपको एग्जाम में देखना है क्या मिल रहा है मुझे, क्या वो रिएक्शन देगा या नहीं देगा, देगा तो करो, नहीं देगा तो करो, अब सीधे तुरंत बता, नहीं करेगा यार, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है इसके अंदर, काम मगजमारी करने की बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, विनाइल क्लोराइड अलाइल क्लोराइड तो करेंगे क्या, विनाइल क्लोराइड के अंदर आप लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, विनाइल क्लोराइड SN रिएक्शन नहीं देता है, अलाइल क्लोराइड यस, अलाइल तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और एक CH2 और हैलोजन, क्लोराइड है तो यहाँ पे Cl, वाओ इसको तो बहुत प्यार है SN रिएक्शन से, SN रिएक्शन जबरदस्त देता है, SN रिएक्शन करवाओ AgNO3 के साथ और क्या कर दोगे भाई,
अल्कली डाल दिया। अल्कली डाला तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्लोराइड बाहर निकलेगा, क्लोरीन बाहर निकला, सिल्वर बाहर है, वेट कर रहा है, बना दिया AgCl व्हाइट कलर। और ये तो धनधन गोपाल है, बनाता ही नहीं ऐसे रिएक्शन, क्लोरीन निकालता ही नहीं, नहीं निकालता, नो रिएक्शन, बता दो भाई ये नहीं 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 देने वाला रिएक्शन, क्यों क्यों मकजमारी करने की। चलो बहुत 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 प्यारा, तीन क्वेश्चन हो चुके, ओके तीन क्वेश्चन और बाकी है। क्लोरोबेंजीन, वाह चलो क्लोरोबेंजीन, ए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्लोरीन, दिमाग में क्या आना चाहिए। अरे यार क्लोरोबेंजीन तो कभी ऐसे रिएक्शन देता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देता यार। हाँ बहुत अलग कंडीशंस में देता है, ऐसा नहीं नहीं देता, बट बहुत स्ट्रांग कंडीशंस में देता है वो, ओके उसके बारे में उन्होंने सीखा हुआ है, बट डिफिकल्टी से देता है। बट नॉर्मल एसिड नोट्री के साथ रिएक्ट करो, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो कलर। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2 देन Cl, वाओ ये तो देता है भाई मेरे भाई। AgNO3 को अलकली में डाल दिया, अलकली के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो आपको देने वाला है, ओके यहाँ पे ठीक है, ये नाइट्रेट मिल जाएगा, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं था, क्लोराइड जो मिला वो जाके मिंगल करेगा सिल्वर के साथ और व्हाइट कलर दे देगा, दे दिया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आगे क्या पकड़े, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूम बेंजाइल क्लोराइड, सर ये तो पहली बार देख रहे, कोई बात नहीं, बेंजाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर आता है, हाँ वो तो देगा आपको, अभी अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन के AgNO3 के साथ दे रहा, वेरी नाइस। ऑर्थो क्लोरोटोल्यूम स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो ना, CH3 टोल्यून हो गया, ऑर्थो मतलब क्लोरीन, यहाँ पे वेट देखो दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लोरीन डायरेक्टली बेंजीन के साथ जुड़ा, नो SN रिएक्शन, नो SN रिएक्शन AgNO3 के साथ, नो कलर। और ये पैसा बहुत प्यारा सा AgNO3 अल्कली के साथ कलर दे देता है, कलर दिया, कलर दिया तो क्या करने का, कोई व्हाइट कलर दे देता है, ये देता है, लिख लिख किया चाहिए, काम बड़ी से इसमें तीर मारना है, काम मगब करना है, एक ही बार लिख लिया, एक ही बार समझ लिया, खत्म हो गया बात। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सर ये तो आपने करवाया ही नहीं, चलो मैं देखा देता हूं, क्लोरोफॉर्म आया, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड CCl3, इसमें आपको जो आगे मैंने दो टेस्ट बताए वो नहीं करने हैं, याद रखना ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, वेरी स्पेशल केस, वेरी स्पेशल केस, जहां कहीं पे भी क्लोरोफॉर्म देखा मतलब CHCl3 है, जहां कहीं पे भी क्लोरोफॉर्म देखा मतलब क्या है CHCl3, याद रखना इसके लिए अलग टेस्ट करेंगे, और ये टेस्ट थोड़ा अलग है, क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ आप रिएक्ट करो एनिलीन के साथ, क्या करोगे, ये एक बहुत ही प्यारी सी इसकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना ही है, कुछ भी हो जाए हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपने एनिलीन ले लिया, प्राइमरी अमाइन ले लो तो भी चलेगा, क्लोरोफॉर्म लिया और क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ रिएक्ट, तो आपको रिएक्शन थोड़ा याद रखने के लिए हेल्प कर देता हूँ, याद रखो यहाँ पे तीन क्लोरीन है ना, तो आप तीन KOH लोगे, सर ऐसा क्यों, बिकॉज ये तीनों क्लोरीन तीन K के साथ कंबाइन होकर भाग जाने वाले, 3KCl, चलो अच्छी बात है वो समझ में आ गया। फिर ये है कि यहां से ये जो ये वाला H है और यहां के दो वाले H, दो H और ये H तीन OH के साथ कंबाइन होकर क्या निकाल दिया, 3H2, चलो बहुत अच्छी बात है, बच गया क्या C6H5N और यहां से C, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं उसको, कार्बाइल अमाइन भी बोलते हैं, और ये जो टेस्ट मैंने किया उसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट, क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, विच इज ए वेरी फाउल स्मेलिंग गैस, फाउल स्मेलिंग है, बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे ही ये रिएक्शन हुआ क्लोरोफॉर्म ये रिएक्शन देता है, किसके साथ रिएक्शन देता है क्लोरोफॉर्म, तो भाई एनिलीन के साथ अलोंग विद द अल्कोहल, सॉरी माफ करना अल्कली KOH के साथ, और आपको ये मिलता है कार्बोलामाइन। व्हाट अबाउट दिस, इट डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, इट डज नॉट गिव कार्बोलामाइन, हो गया डिस्टिंग्विश। जब भी आपके पास क्लोरोफॉर्म कहीं पे भी लिखा हुआ मिला मतलब आपको कंफर्म क्या करना है, कार्बोलामाइन टेस्ट बना देना, दैट्स इट, दूसरा नहीं देता होगा, जब डिस्टिंग्विश करने का है
यस खत्म हो गया, ऑल द बेस्ट। आगे इसके बाद काफी सारे नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं काफी सारे दूसरे टेस्ट लेना, अल्कोहल, फिनोल, इथर, सल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्किन एंड ऑल दैट। बट टिल दैट टाइम विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड एक प्यारी सी कॉमेंट डाल दीजिए यार, बहुत अच्छा लगता है, काफी मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे। चलो डन, ऑल द बेस्ट, बाय।